मैं खालिद खान, सैबर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मौजा ऐपुर मुबारक की सीज खतौनी खुलने पर किसानों में खुशी की लहर। शेरकोट मौजा ऐपुर मुबारक की 35 वर्षों से सीज चली आ रही खतौनी के खुलने की खुशी में अफजलगढ़ ब्लॉक के गांव आराजी कंडला शाहकोट में भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया तथा इस मौके पर मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। अफजलगढ़ ब्लॉक के गांव आराजी कंडला शाहकोट के पंचायत घर में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में ग्राम प्रधान डॉक्टर दलजीत सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष दर्शन सिंह फौजी, ब्लॉक अध्यक्ष महल सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष रंजीत सिंह व ब्लॉक महासचिव वीरेंद्र सिंह को अफजलगढ़ ब्लॉक के मौजा ऐपुर मुबारक की 35 वर्ष से सीज चली आ रही खतौनी के खुलने की खुशी में माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने भी भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के इन पदाधिकारियों का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सीज खतौनी खुलने की खुशी में गांव आराजी कंदला में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्य अतिथि तहसील अध्यक्ष दर्शन सिंह फौजी ने भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के द्वारा किसान हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से संगठन से जुड़ने का आह्वान किया। दर्शन सिंह फौजी ने बताया कि मौजा ऐपुर मुबारक की खतौनी 35 वर्षों से सीज चली आ रही थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा था। इस मौज के किसानों का कृषि कार्ड नहीं बन पाता था तथा अन्य सरकारी सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा था। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने किसानों की इस लड़ाई को लड़ा तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले। संगठन की लड़ाई रंग लाई और सीज खतौनी खोल दी गई। सभा को ब्लॉक अध्यक्ष महल सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष रंजीत सिंह, ब्लॉक महासचिव वीरेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। सभी ने भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह, जिलाध्यक्ष नितिन सिरोही के द्वारा किए गए प्रयासों का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। सभा का संचालन डॉक्टर दलजीत सिंह ने तथा अध्यक्षता कृपाल सिंह ने की। कार्यक्रम को सफल बनाने में चौखे सिंह, राजेंद्र सिंह, श्यामलाल सिंह आदि का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में मुकेश कुमार, राम कुमार, देवेंद्र सिंह, रूपचंद, बलराम सिंह, रामोतार सिंह, अजयपाल सिंह, गुलशन सिंह, तनवीर सिंह, हरगोविंद सिंह, बर्म सिंह, संजय, मास्टर राजपाल, तेजपाल सिंह, नेत्राम सिंह, बलबीर सिंह, डालचंद सिंह, महिपाल सिंह, कृष्णलाल सिंह, धर्मवीर सिंह, तुलाराम सिंह, सुमेर सिंह, छत्रपाल सिंह, सोनी सिंह, ओमपाल सिंह, मान सिंह, रघुवीर सिंह आदि समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। सर, आज जो आप कंडला शाहकोट में आए हैं, इस आने की क्या वजह है? आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारे शाहकोट कंडला के जो सदस्यगण हैं, जो हमारे ग्राम अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें बुलाया। उनके यहाँ 30-35 साल से खतौनी सीज थी, जिसकी फरद मिलनी शुरू हो गई। इस उपलक्ष में उन्होंने हमें बुलाया और हमारा स्वागत किया। फूल माला पहनाकर हमारा स्वागत किया गया है और पूरे गांव में खुशी की लहर है। अलावा अफजलगढ़ ब्लॉक में जो फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं था, उसकी भी मान्यता मिली है। अब अफजलगढ़ में फायर ब्रिगेड स्टेशन रहेगा, उसके लिए जमीन नहीं जाएंगे। जैसे जमीन चिन्हित होती है, वैसे फायर ब्रिगेड स्टेशन भी बनेगा। हमारे संगठन के बहुत सारे ऐसे कार्य जो हमारे संगठन द्वारा कराए गए। मोहम्मद अलीपुर पट्टा घाट की भी खतौनी खुलवाई थी, वो इससे एक महीना पहले खुली थी। आज अल्लेपुर मुबारक की खुली है। मौजा जसपुर, उसकी भी खतौनी पर कार्य चल रहा है, फीडिंग चल रही है, बहुत जल्द वो भी खुल जाएगी। जैसा आज हमने महसूस किया है कि आप इन लोगों के बीच में आए और इनसे आपने वादे किए हैं, अगर कल को इन पे कोई समस्या आती है तो आप ऐसे ही इनके लिए खड़े रहेंगे? हम इनके लिए 24 आवर, 24 घंटे जब ये फोन करेंगे, रात हो दिन हो, इसी तरह इनके बीच उपस्थित होते रहेंगे। और पहले भी हम जगह जगह जाकर, जब रात को कहीं गुलदार की घटना होती थी तो जगह जगह जाकर, जहाँ भी घटना होती थी मैं वहीं पर पहुँचता था, चाहे समय कोई भी हो। तो इनसे भी हमारा वादा है, इन्हें कोई समस्या आती है तो ये हमें फोन करें एक बार, हम अपने वाहन से स्वयं जल्द से जल्द, जितना समय आने में लगता है उतना ही समय लगेगा और इनके बीच उपस्थित। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।